guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Wednesday and the time duration is around 8:24 PM in the evening. And today I'm gonna share information regarding the pollen process, जो पूरा change हो चुका है. तो उसके बारे में आपको एक rough information provide कर देता हूँ. जैसे मैंने कल एक video बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि क्या क्या new implementation होने वाले हैं, और इसके अलावा जो नया process है इसके बारे में आपको बता देता हूँ. जैसे कल बताया था मैंने कि अपना जो embassy है, अगर आप एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अब रजिस्ट्रेशन करने का उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एम्बेसी ने ऐसा बोल दिया है कि 23rd के बाद, जैसा आपका एम्बेसी पोलैंड की एम्बेसी न्यू दिल्ली लोकेशन की थी, उसमें पहले आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहे थे, देन इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ मेंटेन हो रहे थे, फिर वो लोग एक हफ्ते में 5 ड्रॉ कर रहे थे, उसके बेसिस में आपका नेम आ रहा था. उन लोगों ने अब क्लोज करने वाले हैं 23rd के बाद. जो लास्ट ड्रॉ है अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक आज तो 22 है, 20 तारीख को हो गया, 21 तारीख को हो गया होगा ड्रॉ. एंड आई थिंक जो नेक्स्ट ड्रॉ दैट इज़ गोइंग टू हैपन ऑन, जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 27th को होने वाला था न्यू दिल्ली लोकेशन का, पर अब मेरे को लगता नहीं होगा. उन लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अब जो फर्दर ड्रॉज हैं ये पूरा एंड हो गया है. यहाँ पे 23rd के बाद जो अब सिस्टम है पूरा VFS ग्लोबल को पूरा इन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है, और VFS ग्लोबल के थ्रू ही आपका आगे फर्दर प्रोसेस, जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद सबमिशन होता है, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन थ्रू VFS ओनली. तो उन लोगों ने एक नोटिफिकेशन वगैरह भेजा था, मैंने बहुत पहले, अगर 2-3 दिन पहले एक बार ईमेल किया था, तो उन लोगों का एक ईमेल वापस आ भी गया. उन लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है. अदरवाइज मेरे को लगता है जिन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा सबके पास ये ईमेल आया होगा. मास ईमेल भी हो सकता है. आई थिंक जिन लोगों ने भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उनके पास भी ईमेल आया होगा, ऐसा भी हो सकता है. और जैसा अगर प्रोसेस के बारे में बताऊँ तो अभी मुंबई कॉन्सुलेट को कुछ नहीं पता, क्योंकि जो मेन इंडिया के अंदर कैपिटल सिटी के बारे में बोलूँ तो न्यू दिल्ली है. न्यू दिल्ली का सबसे पहले यहाँ पर जो भी चेंजेस हैं पहले न्यू दिल्ली के होते हैं, देन मुंबई कॉन्सुलेट के होते हैं. अगर पहले प्रायर भी आपको बताऊं तो नया जो प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन हुआ था उसमें सबसे पहले न्यू दिल्ली में चेंजेस आए थे. न्यू दिल्ली के बाद एक हफ्ते के या 3-4 दिन के बाद मुंबई कॉन्सुलेट में फिर दोबारा ये सिस्टम अप्लाई हुआ था, जो अपना एम्बेसी के थ्रू ही अपना इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ हो रहा था. वो थोड़ा लेट होता है, जैसे मुंबई कॉन्सुलेट का भी वर्क करें एक आधे हफ्ते बाद वहाँ का नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा, तो फिर वो लोग बताएंगे कैसे प्रोसेस होने वाला है. जैसे मुंबई कॉन्सुलेट का आज या कल में ड्रॉ हुआ होगा, आई थिंक 23rd कल को होने वाला होगा या आज हो गया होगा, तो वाला जो ड्रॉ होने वाला है मेरे को लगता है वो ड्रॉ होगा. अभी जो साउथ जोन वाले उनके लिए कोई नोटिफिकेशन अभी इन लोगों ने शेयर नहीं किया. दिस इज़ ओनली फॉर द नॉर्थ जोन, जो भी नॉर्थ जोन्स हैं तो उसमें सेंटर वगैरह के बारे में इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया. अगर यहाँ पे देखें तो इन लोगों ने बोला, डियर वीज़ा एप्लीकेंट, द एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड इन न्यू दिल्ली इन्फॉर्म्स दैट स्टार्टिंग फ्रॉम 1st December 2023 वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम इट्स कॉन्सुलर ज्यूरिडिक्शन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर एंड लखनऊ. लखनऊ जो कॉन्सुलेट है, कॉन्सुलेट नहीं है, जो VFS सेंटर है, न्यू एड हो रखा है, पहले नहीं था, जब ऐड हुआ उसके बाद फिर इन लोगों का ऐसा सिनेरियो हुआ था कि उसके बाद दोबारा ड्रॉज होने बंद, फिर उसके बाद इन लोगों ने VFS का सिस्टम बंद कर दिया था, तभी ये लखनऊ एड ऑन हुआ था. अब जो नए VFS में रजिस्ट्रेशन आपको करने होंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो लखनऊ वाले हैं, लखनऊ वाले आपका जो सबमिशन होगा आपका लखनऊ लोकेशन पर ही हो जाएगा. और जैसे अपना VFS वाला जो सीन है इसमें थोड़ा फ़ायदा ऐसा होता है कि जो लोग अलग लोकेशन से, जैसे जैसे बहुत सारे के एप्लीकेंट ऐसे होंगे कि कोई न्यू दिल्ली लोकेशन से नहीं होगा, जैसे चंडीगढ़ से है, कोलकाता लोकेशन है, जयपुर है, लखनऊ है, तो दे कैन डू देयर सबमिशन ओवर दैट. ये रिमोट सेंटर्स हैं, सेटेलाइट सेंटर कहते हैं. यहाँ से 24 to 48 hours के अंदर जैसे अपना फाइल सबमिट करते हैं तो न्यू दिल्ली लोकेशन जो आपका मेन एम्बेसी में है उसमें 2 दिन बाद आती है, और फिर यहाँ आपका जो डिसीजन वगैरह होता है, डिसीजन आपको सारा जो भी आपका नियर बाई कॉन्सुलेट है, जैसे जयपुर लोकेशन VFS सेंटर है, वहीं पे आपको डिसीजन मिलता है. और इसके अलावा इन लोगों ने जैसा बता रखा, ड्रॉ सिस्टम इन द ई कॉन्सुलेट विल बी डिसकंटिन्यूड एंड नो फर्दर ड्रॉज विल बी प्लान्ड, प्लीज रजिस्टर्ड वाय VFS ग्लोबल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, द लिंक टू द सिस्टम विल बी प्रोवाइडेड ऑन 23rd November ऑन द एम्बेसी वेबसाइट. कल के दिन में इन लोगों ने बोला, जैसे मैं आपको बता रहा था, जो भी ड्रॉज हैं इन लोगों ने सारे कैंसिल कर दिए हैं, जो भी अब ड्रॉ होने वाले थे न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए, अब अपकमिंग कोई भी ड्रॉ नहीं होगा कोई भी कैटेगराइजेशन के अंदर. अगर देखें तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि अगर आपको 23rd के अंदर जो एम्बेसी की वेबसाइट है वहाँ पे एक लिंक दिया जाएगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि थर्सडे कल का डे है, तो एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा. कल जैसे मॉर्निंग पे लोग लॉगिन करते हैं या एक बार शाम को आप चेक कर लेना, अदरवाइज मेरे को लगता है कल सुबह के टाइम पर 9-10 बजे जब भी इनका वर्किंग टाइम रहता है, जैसे ही लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद ये लोग मेरे को लगता है कि अपना वहाँ पे एम्बेसी में अपना रजिस्ट्रेशन का एक बार लिंक ओपन कर देंगे लोग. कल ये लाइव कल होगा मेरे को लगता है 9-10 बजे के टाइम पे, अदरवाइज शाम को आप एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज लिंक आप पा रखा है
लिंक आप ओपन करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का। और इन लोगों ने बोला प्लीज़ नोट दैट न्यू रूल्स फॉर एक्सेप्टिंग वीज़ा एप्लीकेशन विल अलाउ द एम्बेसी ऑफ पोलैंड टू एक्सेप्ट सिग्निफिकेंटली मोर वीज़ा एप्लीकेशन इन 5 वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग अ न्यू सेंटर इन लखनऊ। एडिशनल स्लॉट्स इन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर विल बी ओपन एवरी वीक। तो इन लोगों ने ये बोल रखा है कि जैसे वीज़ा एप्लीकेशन अगर न्यू दिल्ली का देखें तो इसमें ऐसा हो रहा था कि ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं हो पा रहे थे, ज़्यादा स्लॉट्स ओपन नहीं कर पा रहे थे। इन लोगों ने बोला है कि 5 स्लॉट्स 5 वीज़ा सेंटर ओपन हो गए, तो फिर यहाँ से ऐसा होगा कि ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं अभी। और अभी तो कह रहे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहे हैं, अभी इन लोगों ने ऐसा नहीं बोला है कि आपको दिन भर, जैसे पुराना सिस्टम था, पुराना जो सिस्टम था उसमें ऐसा होता था अपना, उसमें वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन स्लॉट्स ओपन करते थे 12 से 2 बजे के टाइम पे। लोग कहते थे जो प्रीफर्ड टाइम है 12 से 2 है 12 से 4, अब मेरे को याद भी नहीं है, इस टाइम के अंदर लॉगिन करके चेक करना पड़ता था, उसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे। पर अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर फर्दर प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ये तो खैर कल जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा और जो इनकी वेबसाइट हम जाके चेक करेंगे देन विल गेट टू नो अबाउट द एंटायर थिंग, क्या चीज़ होने वाला है। इसके अलावा आपको कहना चाहता हूँ मैं, अभी आप एक दिन का और वेट कर लो, और जो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रहे हैं, अब तो खैर 2 नए कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट को अभी जो वीज़ा एम्बेसी की वेबसाइट है उसमें अब रजिस्ट्रेशन करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल के बाद ये लोग अपना जो भी सिस्टम पे जितना भी इन पर डेटा बेस है पूरा हट जाएगा वहाँ से। और इसके अलावा जो भी फर्दर ड्रॉज हैं वो वहाँ पर होगा नहीं, और जैसे पुराने एप्लीकेंट है अगर उन पर उनको अपॉइंटमेंट मिला तो उनको मैं कहना चाहूँगा एक बार एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करवा, जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिला जब आपको एम्बेसी पर जाना है तो उसके लिए एक बार उनसे कोऑर्डिनेट कर लो, वो आपको बता देंगे कि आपको एम्बेसी में करना है या कैसे करना है। मेरे को लगता है एम्बेसी में ही होगा पुराने लोगों का, पर एक बार आप उनसे कॉन्फर्मेशन ले लें देन अपना आगे प्रोसीड करना जब भी आप सबमिशन करने जाते हैं। और जिनका नहीं मिला है तो उनके लिए तो खैर एंटायरली न्यू प्रोसेस हो गया, दोबारा रजिस्ट्रेशन करो आप, उसके बाद फिर आप अपना जो भी वीज़ा है उसका अपॉइंटमेंट आने का वेट करना होगा। और इन लोगों ने बोला है जो अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा खाली आपका जो वेफिस की वेबसाइट है वहीं जाके होगा, दैट इज़ इक्वल फॉर एवरी सिंगल एप्लीकेंट। अगर आप एक एप्लीकेंट है तो आप अपने बिहाफ में खुद ही कर सकते हैं, और अगर आपका कोई ऐसा कहता है कि कोई भी एजेंट कहता है कि आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करेगा तो इन लोगों ने बोला है कि आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, एम्बेसी का किसी के साथ टाई अप नहीं है। इन लोगों ने बोला है कि अगर कोई अपने आपको रिप्रेजेंट करता है बोलता है कि आपका वो रजिस्ट्रेशन कर देगा दैट मीन्स आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा अभी इन लोगों ने बोला है। और अभी के लिए देखते हैं क्या सिनेरियो है, अगर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका सीक्वेंस वाइज या पता नहीं क्या इनका सिनेरियो रहेगा उसके बेसिस पर अपॉइंटमेंट मिलेगा तो मेरे को लगता नहीं है किसी को पे करने की ज़रूरत है। आप थोड़े टाइम वेट कर लें और इसके बाद देखें एक आधे हफ्ते में क्या सीन रहेगा इसका। और अगर आपके पास, इन लोगों ने बोला है कि जैसे अगर आपके पास वर्क परमिट है तो आपको वीज़ा एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन फिर देखते हैं फर्दर स्टेप क्या होगा, इसके बारे में कल ही पता चलेगा। अदरवाइज़ एक बार मैं लिंक में क्लिक करके बता देता हूँ, अगर आपके को अभी कोई इस चीज़ में, अभी एक चीज़ से आप बचना क्योंकि स्कैम होने दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे एजेंट ऐसे आएंगे इसमें, वो लोग आपको बोलेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। अभी प्रोसेस पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है और पता नहीं है कि आगे प्रोसेस क्या होने वाला है। किसी भी एजेंट को पैसे मत देना अभी के लिए, अभी आप वेट कर लो, अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है बहुत 40-50-60 हज़ार रुपये जितने भी आपसे मांगेंगे वो लोग इतने का आप पे स्कैम हो सकता है, थोड़ा इससे बचना, अभी वेट कर लेना थोड़ा टाइम तक का। किसी भी एजेंट को आप पैसे ऐसे मत दें, जो नॉर्मल स्पेसिफिक जो नॉर्मल प्रोसीजर है इसका, फॉलो द नॉर्मल प्रोसीडियर दैट इज मेंशन राइट है, पहले रजिस्ट्रेशन करो फिर उसके बाद वेट कर लेना, अभी किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़ना अभी इस टाइम पे। अगर VFS का देखो तो पास्ट वाले टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्कैम हो रखे हैं, बहुत लोगों के पैसे इसमें डूब रखे हैं, तो इस चीज़ से बचना, किसी को भी पैसे मत देना, किसी एजेंट के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह मत कराओ, डू इट एट योर ओन। और अभी इन लोगों ने बताया नहीं है कि क्या प्रोसेस होगा, और थोड़ा वेट कर लो, एक हफ्ते के अंदर पूरा जो भी प्रोसेस है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वेट फॉर अ वीक, एटलीस्ट अ वीक, एक हफ्ते के अंदर आपको सब पता चल जाएगा, देन उसके बाद देखना आगे प्रोसेस कैसा हो, कैसे आपका चल रहा है। अभी किसी एजेंट के चक्कर में अभी मत पड़ो, और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि पेड अपॉइंटमेंट को प्रमोट करता नहीं हूँ मैं, और पेड अपॉइंटमेंट लेना फ़ायदे का फ़ायदा नहीं होता उसमें, एक तरीके से अगर आपको बताऊँ तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता पूरा प्रोसेस। जैसे नॉर्मल प्रोसेस अभी एम्बेसी का फ्री में हो रहा था, अगर इसकी जगह कोई एजेंट आपसे 40-50-60 हज़ार रुपये लेता तो मेरे को लगता नहीं है वर्थ है, रिजेक्शन आना होगा उसके बाद भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपका रिजेक्शन नहीं आता, तो अभी होल्ड करें और इसके बाद देखें, एक दो दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या सिनेरियो है, तो उसके बेसिस में आगे प्रोसीड करना अपनी एप्लीकेशन। और अगर आप मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगोगे या फिर मेरे से बोलोगे कि अगर इस चीज़ में इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरे से मांगते हैं तो मैं बोलता हूँ कि पेड अपॉइंटमेंट मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, और पेड अपॉइंटमेंट परचेज करना वर्थ रहता भी नहीं है, तो भी आप वेट कर लो, वैसे मिलेगा तो सही है, अदरवाइज़ फिर देखो क्या होता है। और एक बार मैं लिंक में ओपन करके आपको चेक करके बता देता हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ।
अभी जो उन लोगों ने लिंक प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। कल जैसे ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन करने का, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल, और उसके बेसिस में आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोसेस वर्क करा गया। सो आई विल गिव यू क्लैरिटी ऑन दिस बाय टुमारो मॉर्निंग और बाय टुमारो इवनिंग, वन एवर आई विल गेट टाइम आई विल लेट यू नो अबाउट दिस थिंग। तब तक आप वेट कर लो, अदरवाइज आप खुद भी चेक करते रहना एक बार, एम्बेसी का वेबसाइट ओपन करो और दोबारा आप जब जैसे ही आपको टाइम मिलता है एक बार चेक कर लेना। दैट्स ऑल फॉर नाउ, इसके अलावा कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड, एंड हैव अ नाइस डे।